यार क्या केंजाकू यूजी इतादोरी की मदर है? हाँ तुम सही सुन रहे हो, जब से केंजाकू का सीरीज में अपीयरेंस हुआ है बहुत फैन थियरीज का कहना है कि केंजाकू यूजी इतादोरी की मदर है। और यार ऐसा नहीं है कि ये सारी थियरीज ऐसे ही रिवॉल्व कर रही हैं, इन थियरीज में बहुत हद तक सच्चाई भी है। एंड जब मैंने भी इस थियरी के बारे में पहली बार सुना था तो यार मेरे लिए भी इस थियरी पर यकीन करना काफी मुश्किल था, बट जब मैंने इस थियरी पर रिसर्च किया तो यार मैं भी सच में शॉक हो गया, क्योंकि यार केंजाकू एंड इतादोरी की मदर का बहुत बड़ा एंड इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, जिससे यार ये थियरी बहुत हद तक सच है, ये भी प्रूफ होता है। बट कैसे, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो यार हमेशा की तरह अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार आई नो यूजी इतादोरी जुजुत्सु काइसन सीरीज का मेन कैरेक्टर है, बट फिर भी इतादोरी के बारे में हमें सीरीज में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिला है। और यार यहाँ तक कि अभी तक सीरीज में हमें ये भी नहीं बताया गया है कि इतादोरी के मदर और फादर आखिर हैं कौन। मे बी इसलिए क्योंकि मेकर्स केंजाकू यूजी इतादोरी की मदर है, इस चीज को इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहते हैं। बट यार फिर भी मांगा के चैप्टर 208 में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला है, जिससे यार हमें आखिरकार पता चल ही गया कि इतादोरी के पेरेंट्स आखिर हैं कौन। और इस चैप्टर में मेनली या कहें स्पेशली यूजी की मदर पर फोकस किया गया है, और साथ ही यूजी की मदर और केंजाकू का रिलेशन क्या है और ये दोनों आखिर कैसे कनेक्टेड हैं, इस बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत बड़ा हिंट मिला है। तो यार जैसा कि तुम सबको पता ही है कि केंजाकू बहुत पहले जुजुत्सु सॉर्सरर था, जिसने अपनी पूरी लाइफ कर्स एनर्जी एंड कर्स स्पिरिट के बारे में जानने में लगा दिया। और यार यही नहीं, बाकी विलन्स की तरह केंजाकू भी अपने गोल को पाने के लिए किसी को भी यूज एंड सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार के लिए भी नहीं सोचता है। बट अब तुम सोच रहे होगे कि केंजाकू का आखिर गोल क्या है। तो यार केंजाकू का गोल है अपने कर्स टेक्निक के हेल्प से जुजुत्सु वर्ल्ड में रिवोल्यूशन लाना एंड वर्ल्ड के डिफरेंट एंड यूनिक जुजुत्सुस को सीखना। तो यार जाहिर सी बात है केंजाकू अगर अपने इस गोल को रियलिटी बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और यार यहीं पर केंजाकू की एबिलिटी उसके काम आती है। केंजाकू अपने एबिलिटी के हेल्प से अपना ब्रेन किसी के भी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकता है, जिसके हेल्प से केंजाकू जितना चाहे उतना अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। और बस यही नहीं, केंजाकू अपना ब्रेन जिसके भी बॉडी में ट्रांसप्लांट करता है उसकी सारी एबिलिटीज यूज भी कर सकता है। एंड यार अपने इस यूनिक एबिलिटी के हेल्प से केंजाकू ने बहुत ढेर सारी यूनिक एंड पावरफुल एबिलिटीज को सीखा है। और यार केंजाकू ने किसी की बॉडी को कंट्रोल किया है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के फोरहेड को देखने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि यार जिसकी भी बॉडी को केंजाकू कंट्रोल करता है उसके फोरहेड पे स्टिचेस के मार्क्स होते हैं। क्योंकि यार मैंने अभी तुम्हें बताया है ना कि केंजाकू अपना ब्रेन दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट करके अपना लाइफ स्पैन बढ़ाता है, जिसके बाद जाहिर सी बात है ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के बाद फोरहेड को स्ट्रिच तो करना ही पड़ेगा, और यही एकमात्र केंजाकू की पहचान है। इसके अलावा केंजाकू को पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ, केंजाकू ने जिसे भी अपना होस्ट बनाया है उसके करीबी लोग को छोड़ के लाइक गेटो के केस में गोजो ने पहचान लिया था कि ये गेटो नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि गोजो गेटो को बहुत अच्छे से जानता है। और यार केंजाकू का अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट होस्ट लगभग 150 साल पहले हेड ऑफ कामो फैमिली नोरोतोशी कामो था। नोरोतोशी के बॉडी के हेल्प से केंजाकू ने उस एरा में काउंटलेस घिनौने काम किए थे। लाइक केंजाकू ने उन वीमेंस पे एक्सपेरिमेंट किया जिनके पास कोई यूनिक एबिलिटी या फिर यूनिक जेनेटिक कम्पोजिशन था। और यार यही नहीं, केंजाकू ने उन वीमेंस को 9 मंथ प्रेगनेंसी एंड्योर एंड 9 एबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया था। और इस घिनौने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट, कर्स्ड वूम, या फिर कहें डेथ पेंटिंग। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि ये डेथ पेंटिंग या फिर कर्स्ड वूम आखिर है क्या। तो यार कर्स वूम एक कर्स्ड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट और ह्यूमन ब्लड से बना है। एंड यार इसी वजह से ये जुजुत्सु वर्ल्ड में बहुत यूनिक एंड मिस्टीरियस है। एंड इन सारे घिनौने एक्सपेरिमेंट एंड केंजाकू के वजह से नोरोतोशी कामो को मोस्ट एविल जुजुत्सु सॉर्सरर इन हिस्ट्री का टाइटल भी मिला है। एंड जैसा काम केंजाकू ने नोरोतोशी के बॉडी में किया है, यार सच में ये मोस्ट एविल जुजुत्सु सॉर्सरर का टाइटल डिजर्व भी करता है। और यार उस डेविल एक्सपेरिमेंट द डेथ पेंटिंग के बाद केंजाकू लगभग 150 साल के लिए डिसअपीयर हो गया था। बट केंजाकू ये 150 साल आखिर कहां था और आखिर क्यों ये इतने लंबे टाइम के लिए गायब हो गया, तो यार इसके बारे में हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड फाइनली जैसा कि हमें सीजन 2 में दिखाया गया है कि केंजाकू मॉडर्न एरा में गेटो की बॉडी के साथ अपीयर हुआ है, एंड अब केंजाकू गेटो की एबिलिटी यूज कर सकता है लाइक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक एंड ऐसे और कई सारे पावरफुल टेक्निक्स। और यार लग रहा है केंजाकू के बारे में बात करते करते हम टॉपिक से भटक गए, सो यार चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यार यूजी इतादोरी के पेरेंट्स को इस स्टोरी में रियली मेंशन किया गया है, और हमें सीरीज में दिखाया गया है कि इतादोरी अपने ग्रैंडफादर के साथ बड़ा हुआ है। एंड इतादोरी के पेरेंट्स का क्या हुआ, उनकी डेथ कब और कैसे हुई, इसके बारे में हमें सीरीज में जरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बट यार मांगा का एक चैप्टर है जिसमें हमें इतादोरी के पेरेंट्स की थोड़ी झलक मिली है। तो यार चैप्टर 143 में हमें इतादोरी एज अ बेबी दिखाया जाता है, जिसे उसके फादर ने पकड़ा है। और इस सीन में हमें इतादोरी के ग्रैंडफादर वासिके इतादोरी भी दिखाए गए हैं। और यार उस सीन के बाद बहुत फैंस का कहना है
यूजी के पैदा होते ही उसकी मदर का डेथ हो गया था, इसलिए इस सीन में हमें यूजी की मदर को नहीं दिखाया गया है। बट यार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस सीन के कुछ टाइम बाद ही एक वीमेन का अपीयरेंस हुआ जिसके फोरहेड पे स्टिचेस थे, जिसने यूजी के ग्रैंडफादर को फादर इन लॉ कह के बुलाया, जिसके बाद बहुत फैंस को लगता है कि ये यूजी की मदर है। और यार जो फैंस को लग रहा था वही हुआ। चैप्टर 208 में आखिरकार ये कंफर्म हो ही गया कि वो वीमेन कोई और नहीं बल्कि यूजी की मदर काउरो इतोदोरी थी, जिसका यार आई गेस यूजी के बर्थ के बाद ही डेथ हो गया था। और ये हो सकता है कि यूजी की मदर के डेथ के बाद केंजाकू ने अपना ब्रेन उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लिया हो। और यार बस यही नहीं, केंजाकू हमें एक बार यूजी की मदर का कर्स टेक्निक एंटी ग्रेविटी सिस्टम भी यूज करते हुए दिखा था, जिसके बाद फैंस की ये सारी थियरीज और यकीन में बदल रही हैं। और यार अगर हम इन सारी थियरीज एंड फैक्ट्स को माने तो अगर केंजाकू ने यूजी की मदर के बॉडी को यूजी के पैदा होने से पहले ही पोजेस किया होगा तो या ये थियरी सच हो सकता है कि केंजाकू एक तरह से यूजी की मदर है। लेकिन यार हमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि केंजाकू ने यूजी की मदर की बॉडी को कब और क्यों पोजेस किया था। बट आई थिंक जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी इसके बारे में हमें धीमे धीमे पता चलेगा। लेकिन यार अगर ये सच हुआ कि करंट वेसल ऑफ सुकुना यूजी इतोदोरी केंजाकू का सन है तो यार ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या केंजाकू को पहले से पता था कि यूजी आगे चल के सुकुना का वेसल बनेगा, एंड क्या ये सब केंजाकू का प्लान था या मे बी ये सब एक कोइंसिडेंस हो। यार ये सब देखना सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट तुम क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी तब तक तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट के हेल्प से सोलो लेवलिंग के डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हो। एंड टिल देन एंजॉय एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।